दफ्तरों में फाइलों का ढेर, गलियारों में अलमारियों की कतारें, बेतरतीब पड़ा फर्नीचर ही किसी समय सरकारी दफ्तरों में आम था। आलम यह था कि कौन सी फाइल कहां है, कई बार ये ढूंढना भी एक मुश्किल काम हो जाता था। साल 2014 आया और शुरू हुआ बदलाव का दौर। प्रधानमंत्री ने छेड़ी स्वच्छता की मुहिम, जो देखते देखते बन गई एक जन क्रांति। साथ ही बदली दफ्तरों की कार्य संस्कृति और तस्वीर भी। देश ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से जो हासिल किया है, वो हमें आश्वस्त करता है कि हर भारतवासी अपने कर्तव्यों के लिए कितना संवेदनशील है, कितना सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही निर्देश पर सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों में 2 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर तक चलाई गई स्वच्छता की एक और विशेष मुहिम। पहल हुई दफ्तरों में जमा कचरे के प्रबंधन की। सफाई अभियान में कर्मचारियों और अधिकारियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। टूटे फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, खराब हो चुके कंप्यूटर और दूसरे अन्य सभी सामान जो बेकार हो चुके थे, उनको किया गया डिस्पोज। केंद्र के दफ्तरों में ये मुहिम तकरीबन 6000 जगहों पर चलाई गई। इस दौरान कई फाइलों का डिजिटाइजेशन कर उनका निस्तारण किया गया। लगभग 21,90,000 पुरानी और अनावश्यक फाइलों को नष्ट किया गया। वहीं तकरीबन 12 लाख वर्ग फुट से भी ज्यादा की जगह खाली हो गई। इस अभियान के नोडल डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी निभाई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने। स्वच्छता की ये विशेष मुहिम सिर्फ दफ्तरों की पुरानी फाइलों और अनुपयोगी सामानों के निस्तारण तक ही सीमित नहीं थी। इसका उद्देश्य जन शिकायतों, संस्तुतियों और प्रस्तावों के निपटारे पर भी था। इस दौरान 3,03,000 से ज्यादा लंबित जन शिकायतों का उचित निपटारा किया गया। संसद सदस्यों द्वारा की गई संस्तुतियों में से 8,700 से ज्यादा और राज्य सरकारों द्वारा की गई 1,000 संस्तुतियों से ज्यादा निपटाया गया। स्वच्छता की इस मुहिम के दौरान 62,54,00,000 से ज्यादा का राजस्व संग्रह हुआ। विशेष अभियान की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल pgportal.gov.in बनाया गया। सभी मंत्रालयों में संयुक्त सचिव के स्तर के अधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाकर उन्हें विशेष मुहिम की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिससे स्वच्छता अभियान को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा सके। हमने जब शुरू किया था तो कैंपेन के तौर पर दिया था कि 9-10,000 फाइलें रिव्यू की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे सारे लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होते गए कि एक महीने में हमने 1,00,000 से भी ज़्यादा फाइलें जो हैं वो वीड आउट की हैं। राष्ट्रीय अभिलेखागार में अक्टूबर के महीने में 3,376 फाइल रिव्यू किए गए और उनमें से सिर्फ 370 फाइल हम लोगों ने रखे हैं, जो कि और कुछ दिनों तक रहेंगे या फिर 25 साल के बाद वो नॉन करंट रिकॉर्ड होके ए कैटेगरी और बी कैटेगरी होके हमारे अभिलेखागार में रह जाएंगे। स्वच्छता के इस विशेष अभियान की मॉनिटरिंग वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के अलावा कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी की। सफाई का यह खास अभियान देश तक ही नहीं सीमित रहा, बल्कि भारतीय दूतावासों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दफ्तरों की साफ सफाई से जहां एक ओर स्वच्छता और सुंदरता बढ़ी, तो दूसरी ओर कर्मचारियों और अधिकारियों को साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिला। हमारा सेक्शन बहुत अच्छा साफ है, जगह मिलता है और साफ सुथरा है। उसके साथ साथ हमारा मन भी साफ सुथरा रखे
काम करना बहुत अच्छा लगता है। यह सारे कॉरिडोर बहुत ही अच्छे तरीके से साफ किए गए, लगभग 240 से 250 अलमीरा यहाँ से हटाई गई और जिनके माध्यम से 8000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जगह बनाई गई। स्क्रैप मटेरियल को लगभग 10,13,000 रुपए में बेचा गया जिसकी राशि सरकारी खातों में जमा भी कराई गई। फाइलों का जो वेडिंग हुई है उसके बाद फाइल का जो वर्क है वो मतलब वर्कलोड काफ़ी कम हो गया है क्योंकि सब कुछ कंप्यूटर से ई फाइल के साथ काम करना अच्छा हो गया है। और कॉरिडोर्स में बहुत सारी अलमीरा रखी थी जिसकी वजह से थोड़ा कंजस्टेड सा हो गया था, वो सब क्लियर करने के बाद बहुत साफ़ सुथरा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जितनी कोने में जो फाइल्स रहती थी वो सारा सिस्टमाइज उनको श्रेड किया गया। उसके बाद फिर जो हमारा ये एरिया है इसको भी हमने डेवलप किया। पहले इतनी सारी फाइलों का ढेर लगा रहता था, ऑफिस में घुसते इतना स्ट्रेस फील होता था कि हमें इतना सारा काम करना है, लेकिन स्वच्छता अभियान के दौरान जो हमने प्रयास किए उनके दौरान स्पेस आउट हो गया, हमारा रूम एस्थेटिकली इतना प्लेजेंट हो गया है। जब हम 2012 में आए थे तो उस समय बहुत सारी अलमारियां और चारों तरफ गंदगी थी, लेकिन बाद में 2014 में विशेष अभियान चलाया गया स्वच्छता का, उसमें बहुत परिवर्तन आया। और पिछले एक महीने में तो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये परिवर्तन आ सकता है। ये सारी जगह अलमारियां हुआ करती थी जिन्हें जिनके फाइलों को रिकॉर्ड करके उन्हें सही से उसका डिस्पोजल किया गया है। स्वच्छता देश में अब व्यवहार बन चुकी है, शहर से लेकर गांव तक देश की तस्वीर बदली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि वेस्ट से वेल्थ अर्जित हो, कूड़े से धन अर्जित हो, और यह है प्रधानमंत्री के संकल्प की सिद्धि।